अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन हॉट डॉग की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होगी। चलो इसे बनाते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम, और इसके छोटे छोटे क्यूब किए से अच्छे से धो के इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस 2 चम्मच, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच विनेगर, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। इसके जगह आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो। ये मैंने फूड कलर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप 2 से 3 घंटा मैरिनेशन के लिए रख सकते हो। आपके पास अगर टाइम ना हो तो 1/2 घंटे के लिए इसे रख दे। मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अभी हम बन तैयार करेंगे ग्रीन चटनी, मेयोनीज, मस्का, मैरिनेशन चिकन और ये कैबेज। ये हमारे बन। चिकन को हम अब फ्राई करेंगे। इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसे शैलो फ्राई करेंगे। अब एक एक पीस करके हम डालेंगे। अब सिलो प्याज करके इसके सारे क्यूब डाल दे चिकन के। इस पे सारे पीस डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से भूनेंगे इसे। इसे अच्छे से पकने दे, इसे अच्छे से पलट देंगे। अभी अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भूने। दस बारह मिनट में हमारा चिकन तैयार हो जाता है। चिकन अब पक के तैयार हो चुका है, इतने इजीली कट हो रहा है। चिकन हमारा तैयार हो चुका है अच्छे से। इसे हम निकालेंगे अभी। ऐसे ठंडा होने के बाद इसे हम मैश करेंगे चम्मच से, अच्छे से इसके बारीक बारीक पीस करेंगे। ये हमने मैश कर लिया चिकन को अच्छे से। अब बन कट करेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे अच्छे। बन को बहुत ही आराम से कट करना होता है, नहीं तो टूट जाता है बन। में हम लगाएंगे मस्का।
इसमें लगाएंगे अब ग्रीन चटनी। मेयोनीज डालेंगे अभी। कैबेज डालेंगे। चिकन डालेंगे इस पे अभी। अच्छे से भरेंगे चिकन अच्छे से। हम डालेंगे मेयोनीज। इसमें हम लगाएं थोड़ा सा कैबेज। इसी तरह से हम अपने दोनों बन भी तैयार करेंगे। हमने तैयार कर लिए सारे बन। अब इसे हम फ्राई करेंगे। हल्का सा मस्का लगाएंगे तवे पे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। फ्राई करने के बाद बन एकदम क्रंची हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका। इसे हम अब रखेंगे तवे पे। ऊपर से भी हम थोड़ा मस्का लगाएंगे। इसे हम पलट देंगे दूसरी साइड। क्रंची होने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे अच्छे से मस्का लगाएंगे फिर से एक बार। मेरे हॉट डॉग बन के तैयार हो चुके। इसे हम निकालेंगे। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।